बाद में प्रत्येक गौशालाएं खोली गई और उन गौशालाओं में गो माता के संरक्षण के लिए, उनके खान पान के लिए, ग्रो घास के लिए 21 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उन्होंने वहां से जो है मंजूर किए थे। लेकिन जैसे ही दुर्भाग्य की बात है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो मेरी भी सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ वो सरकार, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, देश का वासी हूँ, और वो मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, वित्त मंत्री देवड़ा जी मेरे भी मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो उन्होंने जो है वापस उसको घटा करके जो है 1.60 रुपए कर दिया गौ माता के खान पान के, उसके चारे की व्यवस्था के लिए। क्या 1.60 रुपए में गौ माता का पालन पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे विनम्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय बहन प्रियंका जी नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने पहले ही कहा कि सरकार मेरी भी है, मैं भी सरकार का कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद का उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरा उनसे आग्रह है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, हमारा जो ये मंच है धार्मिक मंच है, माफी चाहता हूँ, विनम्रता के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे और पुनः जो 21 रुपए गो माता के लिए सेवा के लिए उनके गो घास के लिए आते थे वो पुनः आप चालू करवाएंगे, तो हम दिल से उनका भी धन्यवाद करेंगे और सार्वजनिक करके उनका जो है उनका स्वागत करेंगे। पुनः सभी हमारे विराजित हैं और गौशाला के सभी समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बुला के हमने सम्मान दिया, के लिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।